हे गाइस, मैं हूँ दिव्या एंड वेलकम बैक टू बेसिक विद दिव्या। आई होप आप लोग सब ठीक हो, मस्त हो, मज़े में हो और अपने अपने घरों में स्वस्थ हो। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर हॉल वीडियो विच इज़ फ्रॉम मिंत्रा, एंड मैंने आज मिंत्रा से मंगवाया है बहुत ही सुंदर सुंदर इंडो वेस्टर्न। तो मैंने जितना भी ड्रेस मंगवाया है पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और मैंने अभी अपकमिंग फेस्टिवल और वेडिंग पर्पस को ध्यान में रखते हुए मंगवाया है। तो आप इस तरह का ड्रेसेस डेफिनेटली किसी भी फेस्टिवल पर्पस के हिसाब से या फिर वेडिंग फंक्शंस के हिसाब से भी मंगवा सकते हो। तो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मुझे कॉमेंट करके बताना कि आज का हॉल वीडियो आपको कैसा लगा। सो गाइज़, विदाउट एनी फर्दर एंड डिले, लेट जम्प इन टू द वीडियो। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जितना भी ड्रेसेस मंगवाया मैंने सी बाई सासा फ्रेश से मंगवाया है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं ये नेवी ब्लू कलर का रेडी टू वियर लहंगा सेट से। तो लहंगा एंड क्रॉप टॉप है, ये बहुत ही प्यारा लहंगा एंड क्रॉप टॉप है। तो ये आपको फ्लोरल प्रिंट्स में आपका आएगा ये ड्रेस। तो इस तरह से आपको ये क्रॉप टॉप मिलेगा, इसका जो नेक लाइन है टॉप का वी नेक आएगा, स्लीव जो है थ्री क्वार्टर आपको फ्लेयर स्लीव्स मिलेगा, एंड फ्रंट में आपको इस तरह से इसमें डिटेलिंग मिलेगा जो कि थ्रेड डिटेलिंग है, एंड इसमें फॉल्स मिरर लगा हुआ है, एंड नीचे में आपको बस्ट एरिया के पास टेसल्स लगा हुआ मिलेगा आपके बस्ट एरिया के पास को एडजस्ट करने के लिए, एंड हैंगिंग भी लगा हुआ है जिसमें गोटा पट्टी का डिटेलिंग है। बैक साइड जो है आपको ब्लाउज में सेकेंड बैक साइड आपको ब्लाउज प्लेन मिलेगा, बैक साइड आपको ब्लाउज एकदम प्लेन मिलेगा, सी आपका प्रिंटेड आएगा बैक साइड, एंड ब्लाउज के अंदर एक अटैच लाइनिंग भी है। तो इस तरह का ये ब्लाउज है, एंड इसके साथ आपको सेम प्रिंट्स में स्कर्ट मिलेगा, फ्लेयर स्कर्ट है। तो दिखाती हूँ किस तरह का है, आप इस तरह से फ्लेयर स्कर्ट मिलेगा, एंड स्कर्ट का जो वेस्ट है उस पे आपको डिटेलिंग मिलेगा जो कि थ्रेड डिटेलिंग सीक्वेंस डिटेलिंग किया हुआ है, लग रहा है जैसे गोटा पट्टी डिटेलिंग है। एंड आपको ये हाफ इलास्टिकेटेड स्कर्ट मिलेगा, फ्रंट में स्कर्ट के दो पॉकेट्स भी दिया हुआ है, बोथ साइड पॉकेट्स है दोनों। तो आपको यहाँ पे दोनों साइड पॉकेट्स मिलेगा, एंड पॉकेट्स के भी एजेस में आपको ये लेस का डिटेलिंग मिलेगा, गोटा पट्टी लेस का डिटेलिंग है। स्कर्ट आपका एकदम फ्लेयर हेमलाइन आएगा, स्कर्ट का लेंथ एकदम सही है, परफेक्ट स्कर्ट है। मेरा हाइट थोड़ा कम है तो मुझे थोड़ा लंबा आ रहा था, मैंने हील्स पहना तो मैनेज हो गया। स्कर्ट के अंदर आपको लाइनिंग भी मिलेगा अटैच, एंड सॉफ्ट कैनकेन भी लगा हुआ है जिससे फ्लेयर बहुत अच्छा बन रहा था। फ्रंट एंड बैक आपको स्कर्ट सेम प्रिंट्स में मिलेगा, बस जो ये डिटेलिंग किया हुआ है स्कर्ट का ये फ्रंट में ही किया हुआ है, बैक साइड कुछ नहीं डिटेलिंग है। तो पहनावा मुझे बहुत ही प्यारा लगा, तो मैं एक बार आपको इसका प्राइस बता देती हूँ। इसका जो प्राइस दिया हुआ है गाइज वो 2999 है, एंड साइज इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल से डबल एक्सल तक अवेलेबल है। मैंने इसका साइज एल मंगवाया था तो मुझे एकदम हल्का लूज आया, एम मंगवाती तो परफेक्ट रहता, बट पहना हुआ ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा था। एंड जो इसका फैब्रिक है वो पॉली जॉर्जेट है, तो बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक था। तो आप डेफिनेटली इस वेदर के हिसाब से इसे डेफिनेटली ले सकते हो इस तरह ड्रेस को। एंड मैंने इसके साथ स्टाइल किया था एक चोकर, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का मैंने चोकर स्टाइल किया था, बिकॉज इसमें जो ग्रीन प्रिंट्स भी है तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप चाहो तो इसके साथ कुछ गोल्डन टच में भी पहन सकते हो, एंड हील्स पहना था मैंने, आप फ्लैट भी पहन सकते, एक अच्छा सा स्लिंग बैग ले लेना। तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज़ दिस रस्ट ऑरेंज कलर में धोती स्कर्ट विथ एम्ब्रॉयडरेड कुर्ता। तो ये भी बहुत डिसेंट सा ड्रेस है, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको जो है ये शॉर्ट कुर्ता मिलेगा, आई मीन ट्विनिक शेप में कुर्ता है ये, एंड इसका जो नेक लाइन है वो स्वीट हार्ट नेक लाइन आएगा, एंड इसके नेक पे आपको इस तरह से पूरा एम्बेलिस किया हुआ मिलेगा, आई मीन योक पेस के, एंड शॉर्ट कुर्ता आएगा, बोथ साइड कुर्ता में स्लीट आएगा, स्ट्रेट कट में ये कुर्ता है। बैक साइड आपको कुर्ता सॉलिड रस्ट कलर में मिलेगा, बैक साइड कोई भी इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं किया हुआ है। कुर्ता का जो स्लीव्स है वो 3/4 स्लीव्स मिलेगा, एंड स्लीव्स के हेम लाइन में आपको इस तरह से सीक्वेंस का एंड गोटा पट्टी का डिटेलिंग मिलेगा। इसके साथ आपको जो है धोती मिलेगा,
धोती जो आपका वो स्कर्ट कम धोती पैंट है, सॉरी स्कर्ट कम धोती है, तो फुली इलास्टिकेटेड धोती आएगा एंड बहुत ही प्यारा लग रहा था पहना हुआ ये। इस तरह से धोती आएगा, फ्रंट एंड बैक आपको सेम पैटर्न में धोती मिलेगा। धोती का जो लेंथ है वो आपका एंकल लेंथ है। तो मैं आपको एक बार इसका प्राइस बता देती हूँ। तो इसका जो प्राइस है वो 2699 है एंड इसमें दो कलर अवेलेबल है। एक जो मैंने रस्ट ऑरेंज कलर का मंगवाया है वो एक कलर ऑप्शन आपको ब्लैक मिल जाएगा। साइज इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल से डबल एक्सल तक अवेलेबल है। जो कुर्ता एंड धोती है उसका मटेरियल विस्कोस रेयन है, तो बहुत ही कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश लग रहा था। तो आप इस तरह का कुर्ता सेट भी डेफिनेटली मंगवा सकते हो किसी फेस्टिवल के लिए या फिर आपके घर में कोई फंक्शन हो उसके लिए या फिर वेडिंग पर्पस के हिसाब से। तो मुझे पर्सनली ये ड्रेस भी बहुत अच्छा लगा। मैंने इसके साथ एक स्कर्ट पहना था एंड हील्स पहना था। आप मोजरीज वगैरह भी पहन सकते हो, अगर आपका हाइट बहुत अच्छा है तो मोजरी भी बहुत अच्छा लगेगा एंड आप गले में भी कुछ पहन सकते हो। मैंने इसे भी स्कर्ट पहना था, तो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूँगी बिकॉज इसका मुझे वर्क हो गया, फैब्रिक हो गया, बहुत ही अच्छा लगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है गाइज ये पिंक कलर में रेडी टू वियर लहंगा। तो ये भी आपका क्रॉप टॉप एंड लहंगा है। तो आपको इस तरह का ये प्रिंटेड क्रॉप टॉप मिलेगा, फ्लावर प्रिंट्स में क्रॉप टॉप आएगा। इसका भी नेक लाइन आपको वी मिलेगा एंड जो इसका जो स्लीव्स है वो एक्सटेंडेड स्लीव्स है, फ्लेयर टाइप का है। आप चाहो तो यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रिंग दिया हुआ है, आपसे एडजस्ट करके शॉर्ट स्लीव्स भी कर सकते हो या फिर आप एल्बो तक भी रख सकते हो। एंड इसके स्ट्रिंग में आपको इस तरह से टेसल्स लगा हुआ मिलेगा, गोटा पट्टी का टेसल्स है। एंड इसके जो बस्ट एरिया पे आपको इस तरह से डिटेलिंग मिलेगा, डिटेलिंग इसका सीक्वेंस एंड गोटा पट्टी का डिटेलिंग आएगा। साइड में जीप भी दिया हुआ है ब्लाउज में, लेफ्ट हैंड साइड ये जीप आएगा बिकॉज ऐसे नहीं घुसेगा, जीप खोलेंगे तभी अंदर घुसेगा ये। एंड अटैच लाइनिंग आएगा ब्लाउज में, इस तरह से अटैच लाइनिंग है। एंड बैक साइड आपको ये नॉर्मल प्रिंटेड मिलेगा। पहना हुआ ये ड्रेस भी काफ़ी स्मार्ट लग रहा था एंड इसके साथ आपको प्रिंटेड स्कर्ट मिलेगा, फ्लेयर स्कर्ट आएगा इसका। एंड जो स्कर्ट है वो आपको हाफ इलास्टिकेटेड आएगा। स्कर्ट में बोथ साइड पॉकेट्स दिया हुआ है, फ्रंट में पॉकेट्स है एंड पॉकेट्स के हेम आपको एजेस में इस तरह से गोटा पट्टी का डिटेलिंग मिलेगा। फ्लेयर हेम लाइन आएगा स्कर्ट का एंड अटैच लाइनिंग एंड सॉफ्ट कैनकेन के साथ ही स्कर्ट आएगा। तो पहना हुआ ये स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप भी काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। तो इसका जो प्राइस है वो 2999 रुपीज़ है एंड इसमें भी साइज एक्स्ट्रा स्मॉल से एक्सेल तक अवेलेबल है। मैंने एल मंगवाया था तो मुझे थोड़ा लूज आया एंड इसका मटेरियल भी आपको पॉली जॉर्जेट मिलेगा। तो पहना हुआ ये बहुत अच्छा लग रहा था एंड मटेरियल वाइज भी काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। डेफिनेटली आप ये इस टाइप का भी लहंगा चोली ले सकते हो। पर्सनली मुझे दोनों लहंगा चोली ही बहुत अच्छा लगा था, तो लाइक दुर्गा पूजा, दिवाली या फिर वेडिंग फंक्शन, वेडिंग में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। प्राइस वाइज भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूँगी। आप इसे भी अपने हिसाब से स्टाइल करना। इसमें गोटा पट्टी का डिटेलिंग था तो मैंने इसके साथ एक लंबा सा गोटा पट्टी का ईयरिंग्स पहना था, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग से स्टाइल करना। काफ़ी स्मार्ट पीस है, बहुत ही प्यारा लगेगा। नेक्स्ट है गाइस ये ग्रीन कलर में क्रॉप टॉप श्रग एंड प्लाजो सेट। तो ये भी बहुत प्यारा है, बट इसका क्या हुआ, मैंने एल साइज़ ऑर्डर किया था, मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल भेज दिया गया। लगता उन लोग भी मुझे मैसेज दे रहे हैं कि दिव्या बहुत दिन एल पहन लियो तुम, अब एक्स्ट्रा स्मॉल में वापस आ जाओ। मैंने बहुत मुश्किल से इसे पहना, मैं आगे पहन आपको बताती हूँ आगे का स्टोरी क्या हुआ। जब मैं ऐसे पहनी तो मेरा पीछे से चैन नहीं लगा इस क्रॉप टॉप का, तो मैंने नॉर्मल ऐसे ही पहन के ऊपर श्रग डाल लिया। तो ये आपको इस तरह का ग्रीन कलर का क्रॉप टॉप मिलेगा, स्लीवलेस आएगा एक क्रॉप टॉप एंड इसके बैक साइड में ये चैन दिया हुआ है जो आपको पूरा इसका जिप ओपन करके पहनना पड़ेगा। एंड क्रॉप टॉप का जो नेक लाइन है वो आपको राउंड नेक मिलेगा, शॉर्ट टॉप है एंड इसके साथ आपको प्रिंटेड श्रग मिलेगा। इस तरह का श्रग आएगा प्रिंटेड एंड जो श्रग का जो नेक लाइन है वो आपका शॉल कॉलर नेक लाइन है एंड एक्सटेंडेड फ्लेयर स्लीव्स मिलेगा, काफ्तान काइंड ऑफ इसका स्लीव्स है। एंड जो फ्रंट में है यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है बस्ट एरिया पे बांधने के लिए एंड इसके जो नेक लाइन में है आपको इस तरह से
लेस का डिटेलिंग मिलेगा। ये लेस अभी काफ़ी ट्रेंड में, मुझे पर्सनली लेस बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड बैक साइड आपको ये नॉर्मल प्रिंटेड मिलेगा, इसका जो लेंथ है वो शॉर्ट लेंथ है श्रग का। एंड इसके साथ आपको ग्रीन कलर का प्लाजो मिलेगा, मिड राइज प्लाजो आएगा, हाफ इलास्टिकेटेड प्लाजो है। एंड नीचे से जो प्लाजो है वो आपको फ्लेयर मिलेगा एंड अटैच लाइनिंग है प्लाजो के अंदर ग्रीन कलर में। फ्रंट एंड बैक आपको प्लाजो सेम पैटर्न में मिलेगा। इसका जो प्राइस है गाइज वो 2999 रुपीज़ है। साइज इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल से डबल एक्सएल तक अवेलेबल है। इसमें एक कलर ऑप्शन और है विच इज मस्टर्ड येलो कलर। एंड आपका जो टॉप का फैब्रिक है वो आपका पॉली जॉर्जेट है, श्रग का फैब्रिक भी आपका पॉली जॉर्जेट है और जो बॉटम्स का फैब्रिक है वो पॉलिएस्टर है। तो ये पहनावा भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इसे ठूस कर पहना तो मेरे ऊपर आई नो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा टाइट टाइट लग रहा था। अगर वही मेरे साइज़ का होता तो बहुत ही अच्छा लगता, बिकॉज मैंने जो श्रग पहना वो अच्छे से बैठ नहीं रहा था, थोड़ा वो इधर आता बस्ट एरिया पे एंड थोड़ा वो इधर हो जा रहा था। तो मुझे ओवरऑल मेरे ऊपर ओके लग रहा था, बट फैब्रिक वाइज देखा जाए या फिर पहनावा देखा जाए तो काफ़ी स्मार्ट पीस है। तो आप इस तरह का पीस भी डेफिनेटली ले सकते हो। उसके साथ मैंने चोकर और स्टर्ट पहना था तो काफ़ी खिल रहा था देखने में, तो बट आप इस तरह का ड्रेस डेफिनेटली ले सकते हो फेस्टिवल के हिसाब से या फिर वेडिंग पर्पस के हिसाब से भी। मेहंदी नॉल में बहुत अच्छा लगता है वेडिंग फंक्शंस में, तो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूँगी। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए 100% हाँ है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट है गाइज, ये फ्यूसिया पिंक कलर में प्लाजो एंड पेपलम स्टाइल टॉप। तो ये ड्रेस भी बहुत प्यारा सा है। तो इसका जो टॉप है आपको पेपलम स्टाइल में मिलेगा, प्रिंटेड फ्लावर प्रिंट्स में टॉप मिलेगा। एंड जो इसका नेक लाइन है वो वी नेक है एंड इसके नेक पे आपको लेस का डिटेलिंग मिलेगा, नेक से योक तक लेस का डिटेलिंग आएगा। ये 3/4 स्लीव्स मिलेगा, स्लीव्स के एजेस में भी आपको इस तरह से लेस का डिटेलिंग मिलेगा। नीचे से आपको प्लीटेड पैटर्न में फ्लेयर हेमलाइन के साथ ये टॉप आएगा, अटैच लाइनिंग है टॉप में। एंड बैक साइड भी टॉप आपको सेम प्रिंट्स में मिलेगा। फ्रंट में जो ये लगा हुआ है इसके योक पे इस तरह से हुक लगा हुआ है, तो ये सारा का सारा हुक इसका डिटैच होता है, इस तरह से पूरा ओपन हो जाएगा। इस पैटर्न में ये टॉप आएगा एंड इसके साथ आपको सॉलिड कलर में प्लाजो मिलेगा, मिड राइज प्लाजो है, हाफ इलास्टिकेटेड आएगा। एंड जो प्लाजो का हेम लाइन है वो फ्लेयर हेम लाइन है, ऊपर से आपको ये नैरो फिट मिलेगा एंड नीचे से आपको फ्लेयर मिलेगा प्लाजो। प्लाजो के अंदर आपको एक अटैच लाइनिंग भी मिलेगा एंड फ्रंट एंड बैक आपको प्लाजो सेम पैटर्न में मिलेगा एकदम। इसका जो प्राइस है गाइज वो 2399 है एंड इसमें एक कलर ऑप्शन और है, मैंने फ्यूसिया पिंक कलर में मंगवाया है। इसमें ब्लू नेवी ब्लू कलर भी ऑप्शन है एंड एक्स्ट्रा स्मॉल से डबल एक्सएल तक साइज़ अवेलेबल है। इसका जो टॉप का फैब्रिक है वो पॉली जॉर्जेट है एंड बॉटम का फैब्रिक आपका पॉलिएस्टर है। तो ये ड्रेस पहना हुआ भी काफ़ी स्मार्ट लग रहा था, इसे भी आप किसी पूजा के हिसाब से भी ले सकते हो, फेस्टिवल पर्पस के हिसाब से भी ले सकते हो, वेडिंग पर्पस के हिसाब से भी ले सकते हो। मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूँगी और इसे भी अपने हिसाब से स्टाइल करना, काफ़ी अमेजिंग लगेगा पहना हुआ। मुझे ये ड्रेस भी बहुत ही प्रीटी लग रहा था। तो गाइज़ मैंने इतना ही ड्रेस मंगवाया था, आई होप मेरा कलेक्शन आप लोगों को हमेशा की तरफ पसंद आए। तो मैं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, इन केस आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो विद दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।